क्या आपको पता है आपके घर के वो तीन हिस्से जिन हिस्सों से आपको धन मिलता है? आपके घर के अगर ये हिस्से खराब हो जाएं तो आपके जीवन में धन की तंगी और परेशानी आनी शुरू हो जाती हैं। धन कभी रुकता नहीं है या फिर धन की समस्या जीवन भर बनी रहती है और घर में आपके सुख समृद्धि की भी कमी बनी रहती है। तो वो तीन हिस्से कौन से हैं और इन हिस्सों को हम कैसे सुधार सकते हैं, आज मैं आपको इसकी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, हमने कई बार ये बातें सुनी होंगी कि हाँ, आप अपने ईशान कोण को अच्छा रखो, आप अपने नेतृत्व कोण को अच्छा रखो, आप इस कोण को अच्छा रखो, वहाँ पर अच्छा रखो। पर देखिए, हमारा घर और हमारी कुंडली एक जैसी है, क्योंकि हमारी कुंडली से ही पता लगता है कि हमारे घर में कौन सी व्यवस्था कैसे है और कहाँ पर आपकी कुंडली में अगर कोई ग्रहों की परेशानी है और उससे संबंधित आपके घर में कहीं पर कोई परेशानी आ जाए तो गड़बड़ शुरू हो जाती है। जैसे कि ये आम तौर पर अक्सर कहा जाता है कि जो आपका ईशान कोण है वहाँ पर सेप्टिक टैंक वगैरह नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई टॉयलेट वगैरह का आप हौद या गरकी इस तरह की चीज़ें नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये देव स्थान माना जाता है। इसी तरीके से अब आपकी कुंडली ये बताएगी कि आपको उन हिस्सों को सही रखना है। अगर ये कुंडली के अनुसार आप चलोगे तो कुंडली के अनुसार भी आपको पता लग जाएगा कि आपको इन हिस्सों से कुछ चीज़ों को हटाना है, वो कुंडली के अनुसार पता लगता है। पर आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, हम कुंडली में त्रिकोण के हिसाब से चलते हैं। तो आपके जीवन में एक तरह से ये त्रिकोण का हिस्सा क्या है जो कि आपके घर में सुख समृद्धि के रास्ते खोलता है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कुंडली के घर के बारे में। वो घर आपको बताएंगे कि आपको अपने इस हिस्से को सही करना है। आपकी कुंडली का इस तरह से तीसरा घर जो कि आपके घर का मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार क्यों मुख्य द्वार? तीसरा घर मंगल की एक स्थान माना जाता है, मंगल का एक घर माना जाता है, मंगल का यहाँ पर असर माना जाता है, मंगल का ही यहाँ पर पूरा का पूरा राज है। तो मंगल के एक असर वाले घर को जब देखिए, आपके घर में कोई भी एंट्रेंस हो रही है तो वो मंगल है, और जब वो मंगल के साथ साथ जो दरवाज़ा है और दरवाजे के नीचे जो दहलीज होती है वो राहु है। बुध और राहु एक साथ मिले हुए हैं, इसी तरीके से मंगल का भी यहाँ संबंध आता है। आपने कई लोगों के घर देखे होंगे कि घर में एंटर करते ही उन्हें स्मेल आनी शुरू हो जाती है, बदबू आती है, या फिर घर के जो दरवाज़ा होता है दरवाजे के आसपास ही। देखिए, अगर बड़ा घर हो तो भी परेशानी है, छोटा हो तब भी परेशानी है। बड़े में क्या होता है कि लोग अपने घर का जो भी डस्टबिन कचरा होता है ला के घर के मुख्य द्वार के पास रख देते हैं अंदर की तरफ छुपा के, पर जैसे ही इंसान घर में एंटर करता है उसे स्मेल आती है। वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं या जूतों का कुछ ना कुछ स्थान बना दिया जाता है, या फिर आप अपना कुछ ना कुछ डंप रखते हो, कुछ ऐसा आप वेस्ट प्रोडक्ट रख देते हो जिसका आपको यूज़ नहीं है कि हाँ आज नहीं तो कल इसे उठा के हम बाहर फेंक देंगे। तो आपको अपने घर का ये मुख्य द्वार, अगर आपने ये सही नहीं किया तो परेशानी क्या आएगी, घर में बीमारियाँ नहीं जाएंगी और जिसके कारण आपका धन नुकसान होगा। तो धन नुकसान डायरेक्ट नहीं होगा कि आपका धन था वो गायब हो गया, ऐसे नहीं होगा। धन कैसे आपके घर से जाएगा, जो जाने के रास्ते हैं वो ऐसे बनेंगे कि बीमारियों में खर्चा होना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी दहलीज और मुख्य द्वार साफ सुथरा नहीं रहता है तो परेशानी है। माताएं बहनें हमारे घर की अक्सर ये काम किया करती हैं और कई बार तो नहीं कर पाती हैं, कुछ कारणवश होते हैं नहीं कर पाती हैं, मान लो फ्लैट है या कुछ भी दिक्कत है नहीं कर पा रही हैं। पर जो नहीं कर रही हैं वो ज़रूर ये काम करें, क्योंकि देखिए, पुरुष का काम है बाहर से धन लेकर आना कमाकर घर में, पर घर की जो लक्ष्मी है, माँ लक्ष्मी के स्वरूप जो घर की एक गृहिणी है, वही धन को संचय करने में मदद करती है। तो आपको माताएं बहनें जो सफाई करती हैं, सफाई करने के बाद अपने घर की जो दहलीज है अगल बगल में, उसके जरूर आप वहाँ पे गंगा जल या फिर दूध का छींटा लगाया करें। और घर के बाहर की तरफ से जो आपकी चौखट है, चौखट जहाँ पर आपके दरवाजे फिक्स होते हैं, चौखट की तरफ से या दीवार की तरफ पर आप जरूर स्वास्तिक बना के रखिए। स्वास्तिक हल्दी कुमकुम से आप बना सकते हैं, आप इस तरह से स्वास्तिक बनाइए। और समय समय पे आता है स्वास्तिक अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाता है, अलग अलग पदार्थ से बनाया जाता है, इसकी जानकारी मैं आने वाली वीडियो में दूंगा। पर फिलहाल आप इस तरह से स्वास्तिक जरूर बनाया करें, और घर के दरवाजे जो होते हैं उस पर समय समय पे आप तोरण लटकाया करें। तोरण ये आम के पत्तों से बनती है, पीपल के पत्तों से बनती है, अशोक वृक्ष के पत्तों से बनती है,
जिससे भी आपकी सहूलियत है, अवेलेबिलिटी है, उस हिसाब से आप करिए। अब हम बात करते हैं कुंडली के वो हिस्से के बारे में जो कि आपकी कुंडली का एक ऐसा हिस्सा है जो कि हर एक को साफ सुथरा रखना, हम कहते हैं ईशान कोण। ईशान कोण के हम पीछे पड़े रहते हैं, पर घर के सेंटर पार्ट को कभी नहीं भूलना चाहिए। आप पुराने घर देखिए, पुराने समय के बने हुए घर देखिए, एक सेंटर पार्ट में जहाँ पर तुलसी माता का स्थान हुआ करता था और वही सेंटर पार्ट एक घर का मध्य हिस्सा जहाँ पर रोशनी आया करती थी, यही एक हिस्सा है जिसको हम बैठक भी आम तौर पे कह दिया करते थे, बैठक है इस तरह से, वो हिस्सा सबसे पहला हुआ करता था। पर आजकल के आधुनिकीकरण ने इस बैठक को एक डाइनिंग हॉल का एक नाम दे दिया, इस बैठक को आपने गेस्ट हॉल का नाम दे दिया, इस तरह से थोड़ा सा नाम बदल गया है। पर यही बैठक या यही आपका सेंटर पार्ट घर का एक धन के रास्ते आपके लिए बना के रखता है। क्यों? क्योंकि ये कुंडली का नौवां घर होता है, नाइन्थ हाउस होता है, और नाइन्थ हाउस होती है आपकी किस्मत। आपकी किस्मत यानी कि बृहस्पति, अगर आपने इस मध्य पार्ट को गलत रखा, गंदा रखा, इसका उबड़ खाबड़ बन है, टूटा हुआ है, फर्श खराब है, या कुछ भी दिक्कत है, यहाँ पर रोशनी आती थी आपने बंद करवा दी, इसकी सफाई उस तरह से नहीं हो पा रही, यहाँ पर आपने कबाड़ रख दिया, यहाँ पर आपने कुछ भी ऐसी चीज़ें रख दी जो आपकी काम की नहीं है, ना ही धार्मिक चीज़ों से जुड़ी हुई है, और आपने इसको गड़बड़ कर दिया, तो आपके जो धन के रास्ते हैं वो ख़राब हो जाएंगे, आपके धन के रास्ते कभी नहीं बन पाएंगे। तो इस हिस्से को हमने कैसे सही करना है? आपके घर में जब भी पूजा पाठ हो तो इसी मध्य हिस्से को इस्तेमाल करिए। जैसे कि घर में आप दीपावली पूजन करते हो, घर में और भी पूजा होती है जिसमें गोबर का लेप किया जाता है, चौक बनाई जाती है, अगर आप इस हिस्से का, मध्य पार्ट हिस्से का घर में अपने इस्तेमाल करना शुरू कर दो तो आपके घर में कभी भी बदकिस्मती का सामना नहीं करना पड़ेगा। और नित्य प्रति अगर आप कुछ करना चाहते हो, सफाई तो हो ही रही है, तो वहाँ पर आपने हल्दी का छींटा, हल्दी जल में मिला के, जैसे आप पूजा पाठ करते हो थोड़ी सी हल्दी गंगा जल ये मिलाकर आप इस स्थान पर आप छींटा दीजिए। अगर आप हल्दी, मान लीजिए हल्दी कर रहे हो, या फिर आप ऐसा है कि कई लोग तिलक लगाते हैं, अब तिलक लगाने के लिए आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि इस तरह से केसर का इस्तेमाल करिए। केसर को आप थोड़ा सा जल में मिक्स कर लीजिए, जो बच जाए, मान लीजिए आपने तिलक लगा लिया अपने माथे पर, अपने कानों पर, अपने कंठ पर, अपनी नाभि पर, ये कुछ हिस्से हैं, यहाँ पर आपने तिलक लगा लिया केसर का, अगर मान लीजिए उसके बाद कुछ बच जाए तो उस मिश्रण को थोड़ा सा उंगली में लेके इस तरह से अपने मध्य पार्ट में जाके, जो घर का मध्य हिस्सा है, वहाँ पर इस तरह से छींटा दीजिए। अपने पितरों का ध्यान करिए, अपने देवी देवताओं का ध्यान करिए, सबका ध्यान करिए, ताकि वो हिस्सा आपका जो घर का मध्य पार्ट है, आपकी कुंडली का नौवां हिस्सा है, आपकी किस्मत है, आपका ज्ञान है, आपका सुख समृद्धि है, सब कुछ है, वो एक्टिवेट रहे। एक्टिवेट रहेगा तभी काम करेगा। घर की जो घड़ियां होती है ना, उनके अंदर सेल पड़ते हैं, बैटरीज पड़ती हैं, जब वो डिस्चार्ज हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, तब घड़ी तो बंद हो जाती है। इसी तरीके से ये जो हिस्सा है ये भी चार्ज रहना चाहिए, ताकि आपके जीवन की जो घड़ी है सही ढंग से घूमती रहे। चलिए अब हम उस हिस्से पर आते हैं जिस हिस्से पर अक्सर लोग कम ध्यान देते हैं या फिर उसका ध्यान ही नहीं रखते हैं। आपने बारहवें घर के बारे में सुना होगा, छठा, आठवां, बारहवां, इसे त्रिक भाव बोलते हैं, और पता नहीं किस किस नामों से नाम दिया जाता है, अलग अलग रोग, ऋण, शत्रु, सब चीज़ें इनसे देखी जाती हैं। कुंडली का बारहवां घर होता है आपका छत। अगर आप फ्लैट में रहते हो तो आपकी जो ये जो छत है ना, जो छत, इसी छत को भी आपके बारहवां भाव मान लिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपकी छत गंदी है, छत पर आप पक्षियां बुलाते हो, बिल्लियां गंदगी करके जाती हैं, कुत्ता बांध रखा है, कचरा डाल रखा है, लोहा लंगर डाल रखा है, लकड़ी सड़ी हुई पड़ी हुई है, सीमेंट की बोरियां डाल रखी हैं, रेता बजरी डाल रखा है, कुछ लोग करते हैं, बहुत से लोग हैं इस तरह की चीज़ें, जो बच गई चलो भैया छत पर चढ़ा दो, जब कभी काम होगा उतार लेंगे। इसी तरीके से जब वो छत आपकी गड़बड़ होना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए परेशानियाँ आएंगी। कैसे आएंगी? छत आपकी कुंडली का बारहवां हिस्सा है, बारहवां हिस्सा यानी कि आपके हर चीज़ों का नुकसान, और सबसे पहले तो ये आपकी मानसिक शांति, आपका धन, आपकी सुख समृद्धि, सब चीज़ों पर ऐसे सेंध लगाएगा, ऐसे नुकसान कराएगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा, यार पैसे तो अभी थे जेब में, ये खर्चा किस तरह से आन खड़ा हो गया, मैंने पैसे तो किसी और काम के लिए रखे थे पर अब ये मजबूरी ऐसी आ गई कि ये खर्चा देना पड़ेगा।
बिजनेसमैन हैं तो नुकसान अचानक से शुरू हो जाते हैं, छत गंदी होनी शुरू हो गई तो गड़बड़ हो गया। कुत्ता मत बांधिए छत पर, आप अपने बिल्ली का ध्यान रखिए, छत पर मत आने दीजिए। अगर आती है तो साफ़ सफाई रखिए, अगर गंदगी कर रही है कोई बात नहीं, आप साफ सफाई का काम करिए। अब बात करते हैं साफ सफाई की। घर की छत को आपको महीने में चाहे एक बार सोमवार के दिन आपको दूध मिले पानी से जरूर झाड़ू मार के साफ करना चाहिए। क्या होता है, छत जो 12वां घर है राहु है और यहाँ पर बुध नीच का असर देता है, तो यहाँ पर दोनों को शांत करने के लिए, दोनों को शुभ रखने के लिए दूध यानी कि चंद्रमा का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपने ये तीनों चीज़ें समझ ली, ऐसे ही कुंडली के और भी भाव हैं जो आपके घर के बहुत से हिस्सों को दर्शाते हैं। खैर, उन भावों की हम आगे की कभी चर्चा करेंगे, वीडियो ना बड़ी हो जाए इस चीज़ का ध्यान रखते हुए। आपको ये जानकारी जो ज़रूरी थी, इसका मेरा देना आज बहुत ज़रूरी था। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि Part 1, Part 2, Part 3, Part 4, ऐसे Part 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए, इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो, और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। इन जानकारियों को अपने जीवन में अपनाइए, और चाहते जाते जय श्री राम का नारा, जय श्री राम का कमेंट जरूर आप इस वीडियो में करिएगा, ताकि आप पर श्री राम की कृपा बनी रहे। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार।